रास्ता रोका। शक्ति में कांग्रेस की प्रथम कार्यकारिणी बैठक का आयोजन, बैठक में कई अधिकारी हुए शामिल। गौरेला पेंड्रा में धान जब्त करने को लेकर हुआ था विवाद, कृषि विस्तार अधिकारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जांजगीर चांपा में थल सेना में भर्ती के लिए चल रही है निःशुल्क आवासीय कोचिंग, जिला प्रशासन द्वारा चलाई गई पहल। सक्ती में भाजपा पार्षद के घर पर हुई चोरी, चोर लाखों रुपए लेकर हुए फरार। पामगढ़ में दो दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, देव किरारी ने जीता फाइनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। सक्ती में जिला युवा कांग्रेस की प्रथम कार्यकारी बैठक का आयोजन किया गया, जो कि अध्यक्ष बालेश्वर साहू के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश युवा कांग्रेस सचिव, विधानसभा प्रभारी समेत कई अधिकारी शामिल रहे, तो वहीं युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और छत्तीसगढ़ की सह प्रभारी प्रियंका सारसार सहित जोन प्रभारियों को जिला युवा कांग्रेस का पूरा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान जवाहरलाल नेहरू कॉलेज मैदान में आगामी चुनाव को देखते हुए यूथ कांग्रेस के मुख्य एजेंडा यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। आज शक्ति में मेरी पहली जिला कार्यकारिणी बैठक थी, जिसके अंदर हमें दिल्ली से राहुल जी द्वारा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी द्वारा एजेंडा दिया है 2023 आने वाले आगामी चुनाव के लिए, कि युवा कांग्रेस मिलकर बूथ पर काम करेगी मजबूती से। यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो का एजेंडा आया है, एक बूथ पर 5 यूथ और 2 महिलाएं जोड़नी है, क्योंकि पार्टी के आला कमान का निर्देश है कि संगठन में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को भागीदारी देनी है, तो उसी विषय में हम लोगों ने बैठक की है अपने सभी नए निर्वाचित पदाधिकारियों के साथ। उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द महिलाओं की नियुक्ति की जाए, जल्द से जल्द पूरी कमेटी की नियुक्ति की जाए और बूथ पर मजबूती से काम किया जाए। शक्ति के नगर पंचायत ढबरा में भ्रष्टाचार और अनियमितता को लेकर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन के आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया था, लेकिन अभी तक स्थानीय प्रशासन द्वारा जांच की रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है और भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो रहा है, जिसे लेकर पुनः नगरवासियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हम रोड और नाले के लिए आए हैं, अगर 7 दिन के भीतर काम नहीं होता है तो हम चक्का जाम करेंगे और ये हम इसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन के ऊपर रहेगी। कई बार हम लोग आवेदन दे चुके हैं, माननीय कलेक्टर महोदय, जीएम महोदय एवं थाना प्रभारी को आवेदन दिया गया था 7 सूत्री मांगों को लेकर। उसके बाद धरना प्रदर्शन किया गया था, 9 दिन तक धरना प्रदर्शन में बैठे थे, तो तहसीलदार साहब, टीआई साहब के मौखिक आदेश पर कि सब काम 20 दिवस के भीतर जांच कर उसका कार्रवाई किया जाएगा और रोड और नाली का काम चालू करवा दिया जाएगा बोलकर आश्वासन देकर अनशन खत्म कराए थे, लेकिन आज विगत 20 दिवस हो गया जिसमें कोई कार्य नहीं हुआ, उस चलते पूरे ग्रामीण आक्रोशित होकर आज फिर चक्का जाम का आवेदन देने आए हैं। आज आवेदन दिया है, अगर 7 दिवस के भीतर रोड और नाली बनना नहीं चालू होता तो हम 19 तारीख को दिन गुरुवार को चक्का जाम करेंगे। पामगढ़ में ग्राम पकरिया झूलन में आयोजित 2 दिवसीय डे नाइट 55 किलोग्राम वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता में फाइनल में किरारी ने बाजी मार ली है।
वहीं लोहरसी को उपविजेता के खिताब में संतुष्ट होना पड़ा। बता दें कि 55 किलोग्राम वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता के समापन में मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम के पूर्व सरपंच मनीष कुमार सिंह सारवा समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथियों ने खिलाड़ियों एवं युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कबड्डी हमारे छत्तीसगढ़ और भारत की प्राचीनतम खेल है। हम सब खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। समाज राहौत द्वारा आज माँ परमेश्वरी महोत्सव के भव्य आयोजन यहाँ रखे रही थे। यहाँ राहौत नगर पंचायत में बहुत भारी संख्या में हमारे देवांगन समाज यहाँ सक्रियता से काम कर रहे थे और हमन दिन हमारे सामाजिक परंपरा है तेनानुसार हमन माता परमेश्वरी के महोत्सव पूरा प्रदेश में जहाँ जहाँ देवांगन समाज है वहाँ मनाथन उही तारतम में यहाँ आना हुई और देवांगन समाज ला पूरा राहौत के देवांगन समाज ला माता परमेश्वरी के पूजा के ढेर सारी बधाई है। वो माता परमेश्वरी हम सबके ऊपर आशीर्वाद बना के रखे, वो प्रदेश में सुख शांति खुशहाली के आशीर्वाद हमन माता परमेश्वरी से मांगे। जांजगीर चांपा में अग्निवीर थल सेना के लिए शारीरिक दक्षता उत्तीर्ण युवाओं को लिखित परीक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ के सहयोग से विषय विशेषज्ञों की टीम तैयार की गई है। साथ ही शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षण में उत्तीर्ण युवाओं को लिखित परीक्षा के पहले आवासीय कोचिंग लाइवलूड कॉलेज में प्रदान किया जा रहा है, जिसमें 113 युवाओं को विषय विशेषज्ञों के द्वारा सामान्य ज्ञान, गणित, तर्क शक्ति, विज्ञान, अंग्रेजी विषय की गहन तैयार कराई जा रही है। इस कार्यक्रम के लिए नोडल अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को बनाया गया है और उनके द्वारा समय समय पर युवाओं से संवाद कर उन्हें प्रेरित भी किया जा रहा है। आर्मी अग्निवीर के जो लिखित परीक्षा के लिए पढ़ाई किया जा रहा है उसके लिए आया हूँ। इस पढ़ाई के लिए जिला प्रशासन के द्वारा एवं सीओ मैडम के द्वारा भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ के द्वारा हमको पढ़ाया जा रहा है। हमारी पढ़ाई यहाँ पर निरंतर 17 तारीख से चल रही है। हम सभी यहाँ अग्निवीर के लिए अग्निवीर की तैयारी हम सभी यहाँ पिछले एक माह से कर रहे हैं, जिसकी तैयारी के लिए हमारे जिला के प्रशासन आदरणीय कलेक्टर महोदय वो हम लोगों को पिछले एक महीने से सभी चीज़ की रहने खाने पीने सभी चीज़ की यहाँ पर सुविधा दी गई है। पिछले एक महीना से अग्निवीर जो अभी 15 तारीख को एग्जाम होना है उसके लिखित तैयारी के लिए जिला प्रशासन माननीय कलेक्टर महोदय जिला पंचायत सीओ मैडम के तत्वावधान भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ के सहयोग से यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जिसमें बच्चों का रहने खाने पीने तथा लिखित मटेरियल पुस्तक आदि प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है। इनको सभी विषयों का जो परीक्षा में आने वाले हर विषय का अच्छी तरह से अच्छे शिक्षकों द्वारा तैयारी करवाया जा रहा है। इस सत्र में जो अग्निवीर भर्ती आई है उसके लिए हमारे जिले से करीबन 70-80 बच्चे हैं जो क्लास में आकर रेगुलर स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले उनकी फिजिकल ट्रेनिंग हुई और उनके सारी चीज़ों का सिलेक्शन होने के बाद अब जब उनकी परीक्षा आने वाली है तो उस परीक्षा के लिए हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। इसमें हमारे जिले के जो कलेक्टर साहब हैं, जिला पंचायत की सीईओ मैडम हैं, उनके द्वारा बेहतरीन आपका सुविधा मुहैया कराई जाती है। इनको आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, इनके लिए भोजन की सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं, साथ ही साथ निःशुल्क सारे प्रशिक्षण इनको कराए जाते हैं। गौरेला पेंड्रा में कोटमी सकोला के धान खरीदी केंद्र में तहसीलदार और कृषि विस्तार अधिकारी के बीच किसान का धान जब्त करने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि सीनियर कृषि विस्तार अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं कृषि अधिकारी पर जबरन पुलिसिया कार्यवाही कराने से कृषि विस्तार अधिकारियों ने धान खरीदी केंद्र में धान ग्रेडिंग का काम बंद कर दिया। क्या हुआ था कि किसान धान लेके आया था, जिस पर यह शक था कि वो कोचिया वोचिया का धान है करके, और उसके धान में गर्मी का धान भी मिला और आरियो जो है ये बोले कि गर्मी का धान है तो जितना गर्मी का धान है उसको अलग करेंगे और बाकी को खरीदेंगे। मैंने बोला कि कोचिया का धान हो सकता है, इसको पूरा जब्त कर लिया जाए, तो वो बोले कि नहीं सर, मैं तो अपना काम करूँगा, मैं जब्त नहीं करूँगा पूरा। मैं बोला कि मैं बोल रहा हूँ जब्त कर लो करके, तो बोला मैं नहीं करूँगा सर, आप जो भी हो। तो मैं बोला तुम मेरे को पहचानते नहीं हो, तो मैं वो फिर वो थोड़ी बहस हो गई हम लोगों की। वो बोला मैं नहीं जानता आपके में नेम प्लेट नहीं लगा कि आप तहसीलदार हो सकते, तो फिर वो उतने में मैं साइड हो गया। मैंने अपने उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया कि ऐसा ऐसा मामला है, लेकिन वो लगातार ऊँची आवाज में बात करते रहे और फिर वैसे में माहौल थोड़ा गर्मा गर्मी वाला हो गया। कुछ सरिया सर करके उनका नेम प्लेट में लिखा हुआ था,
तो बोले एडीओ कौन है? तो मैं बोला सर मैं हूँ। तो बोले चलो थाने। तो मैं बोला सर थाने क्यों जाऊँ, चोरी किया हूँ क्या या और कुछ किया हूँ? मैं नोट डालूँ, मैं बोला मैं धान चेक कर रहा हूँ, मुझे करने दीजिए। तो फिर मेरे को लेके जा रहे थे। अच्छा बोला सुनिए सर, आप ही बताइए, आप भी किसान के घर से हो गए, किसान का धान आया है, मैं 9 बोरी चेक कर पाया हूँ, 10वां बोरी चेक करने नहीं दे रहे हैं, मेरे को बोलते हैं धान जब्ती करो, तो मैं कैसे कर दूँगा आप ही बताओ। उसके बाद मुझे थाना ले गए। फिर मैं क्या करता, मेरे दिमाग में आया कि जिन्होंने मेरा ड्यूटी लगाया है जहाँ से लगे मैं उनको सूचना दे दूँ करके। फिर मैं चैटिंग किया, चैटिंग ऐसे ऐसे बातें करके। उसके बाद जब मुझे थाना ले गए तो मैं थाना जाके वहाँ पे बाहर में बैठा भी, और बैठने के बाद फिर मैं मैडम को चैटिंग किया कि मैम ऐसे ऐसे बात है, मुझे थाना ले आए हैं, बाहर बैठा दिए करके। तो हमारे एडीएम साहब इक्का सर देख रहे हैं, तो इक्का सर का फ़ोन आया, उससे पहले मुझे फिर छोड़ दिया गया है, इससे पहले और। गरियाबंद के मैनपुर ब्लॉक में पुलिस चौकी के पुलिस ने 3 हीरा तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि हीरा तस्कर पर्यटक बनकर हीरा खदान क्षेत्र में पहुंचे थे और हीरा खदान वाले गांव पहली खंड से 28 नक्का हीरा खरीदकर आरोपी लेकर निकल रहे थे। तभी पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने आरोपियों की घेराबंदी कर पकड़ लिया। वहीं हीरे की अनुमानित कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया गया है। मुखबिर से सूचना मिला था कि पायली खंड जांगड़ा है ना, जांगड़ा से 2 किलोमीटर दूर नदी किनारे पर एक मंदिर है, वहाँ पर 3 आदमी एक मोटरसाइकिल में है, उनके पास जो है हीरे रखे हुए हैं, ऐसा सूचना मिला। पूरा पुलिस स्टाफ गया, जा कर के घेराबंदी पकड़ा, तलाशी लिए, तब उन लोगों के पास में पुड़िया में जो है एक के पास 9 ठो हीरा मिला, एक के पास 8 ठो है, एक के पास 11, टोटल जो है 28 हीरा मिला है, जो टोटल कीमत है 3 लाख रुपए। 2 राजनांदगांव के जिले के हैं और 1 इंदा गांव के हैं। शक्ति के माल खरौदा विकासखंड में आने वाले धान खरीदी केंद्र पेहरदी में धान खरीदी का काम पूरा होने वाला है, जिसको लेकर टीम ने वहां के किसानों से बात की है। तो वहीं उन्होंने बताया कि हम सभी यहां के धान खरीदी प्रभारी से संतुष्ट हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या हमें नहीं है। वहीं खरीदी प्रभारी किरण डहरिया ने भी बताया कि खरीदी का लगभग काम पूरा होने को है। मैं 27 क्विंटल धान बेचा हूँ और यहाँ कोई प्रकार की समस्या नहीं आया। कि कौन है आपके खरीदी पर भारी बताएंगे नाम? अजय डहरिया। 42,000 क्विंटल लगभग खरीदी हो गया सर। क्या और कितना बचा है लगभग? लगभग कुछ किसान का बचा है, हाँ हाँका पर आ चुके हैं वो लोग, किसान आकर टोकन कटवाएंगे। हाँ, धान खरीदी 42,000 क्विंटल हो चुका है और कुछ किसानों की खरीदी बाकी है, जो किसान टोकन नहीं कटाने आए हैं उन्हीं का बचा है। तो धान खरीदी यहाँ बढ़िया सुचारू रूप से चल रहा है और खरीदी भी समाप्त होने की स्थिति में है और किसी भी किसानों से किसी प्रकार का ज़्यादा धान नहीं लिया जा रहा है। आपके सामने तौल कर भी बोरा दिखाई दे रहा है, धान ठीक है, मिलर लोग भी संतुष्ट हैं यहाँ धान से खरीदी से और परिदान से भी संतुष्ट हैं, यहाँ किसी प्रकार कोई किसानों को शिकायत नहीं प्राप्त हुआ है। सरायपाली में पुलिस ने जुआ खेल रहे जुआरियों पर बड़ी कार्रवाई की है, साथ ही लाखों रुपए नकदी सहित लग्जरी कार जब्त करने में सफलता हासिल की है। तो वहीं मुखबिर की सूचना मिली है कि कुटेला चौक के पास सरायपाली में कुछ लोग बैठकर ताश खेल रहे हैं, जिसके बाद पुलिस स्टाफ रवाना होकर अवैध जुए पर कार्रवाई करने के लिए मौके पर पहुंच गई। थाना सरायपाली के कुटेला चौक स्थित स्कूल के सामने में स्ट्रीट लाइट है, वहां पे कुछ लोग ताश पत्ती ताश से गोबियों बच्चों का गाँव अगर हाजिर का जुआ खेलने की सूचना पर पुलिस रेड कार्रवाई करने गया था, जिसमें कुछ लोग जुआड़ी लोग देख के पुलिस को भाग गए, जिसमें 5 आरोपी पकड़ा गया है। अब 5ों आरोपी सारंगढ़ जिला का रहने वाले हैं, जिनके संयुक्त कब्जे से 52 पत्ती ताश, 2,82,000 रुपये नकदी, 6 नग मोबाइल और 1 स्विफ्ट कार जब्त किया गया है और 5ों आरोपियों के खिलाफ थाना सरायपाली में अपराध क्रमांक 27/23 धारा 13 जो एक्ट के विधिवत कार्रवाई किया गया है। सरायपाली में पुलिस लगातार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने का काम कर रही है और इसी कार्यवाही में पुलिस ने 2 अलग अलग प्रकरणों में से 7 लाख रुपए का गांजा सहित लग्जरी कार और स्कूटर को भी जब्त किया है।
बता दें कि सिंगोड़ा थाना प्रभारी केशवराम कोसले को मुखबिर से सूचना मिली कि एक कार में गांजा भरकर कुछ लोग महासमुंद की ओर जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने उड़ीसा की ओर से आती हुई एक कार को रोककर कार की तलाशी ली, जिसके बाद पुलिस ने 30 किलो का गांजा जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, तो वहीं आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीसीएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। थाना सिंगोड़ा में गांजा परिवहन को रोकने हेतु चेक पॉइंट लगाए गए थे, जिसमें एक जाइलो कार जिसका नंबर है UP77H0761 में ये गाड़ी उड़ीसा बरगढ़ से महासमुंद की ओर जा रही थी, जिसमें दो व्यक्ति जिनका नाम है मुस्तकिन निवासी उत्तर प्रदेश और दिलसाद ये भी निवासी उत्तर प्रदेश है, इनके द्वारा 30 किलो गांजे का परिवहन किया जा रहा था, जिसका राशि कुल 6 लाख रुपए। इसको चेकिंग के दौरान गांव गनियारपाली पास पकड़ा गया है और विधिवत कार्रवाई की गई है। सक्ती में चंद्रपुर थाना क्षेत्र के नगर पंचायत चंद्रपुर के देवांगन मोहल्ले में एक भाजपा पार्षद के घर में अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की कीमती जेवरात एवं नगद राशि चोरी कर ली। बता दें कि घर के अंदर अलमारी के दरवाजे टूटे हुए थे, घर में रखा कीमती सामान बिखरा पड़ा था, जिसकी जानकारी पीड़ित ने थाना के चंद्रपुर में दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही चंद्रपुर पुलिस और जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरों के फुटेज कैद हो गए। वहीं पुलिस अभी तक चोरों का पता नहीं लगा पाई है। पामगढ़ के नगर पंचायत राहौर में खनिज विकास के निगम अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने देवांगन समाज द्वारा आयोजित माता परमेश्वरी महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान देवांगन समाज ने देवांगन धर्मशाला परिसर से भव्य शोभा यात्रा निकालकर आतिशबाजी करते हुए बाजे गाजे के साथ उनका स्वागत किया। स्वागत के पश्चात देवांगन समाज की कुल देवी माता परमेश्वरी की पूजा अर्चना कर भूमि पूजन किया गया और प्रदेश की सुख शांति समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में स्थित ई स्कूटी के शोरूम में आग लग गई, जहां स्थानीय लोगों ने नगर निगम की फायर ब्रिगेड को सूचना दी और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। शोरूम के मालिक ने बताया कि 30 से अधिक गाड़ियां शोरूम में रखी हुई थी, जिसके चलते लाखों का नुकसान हुआ है। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने जाँच के बाद आगे की कार्यवाही करने की बात कही है। तो उसमें सर क्या हुआ कि अपन जैसे दुकान उकान 8 बजे बढ़ाए, फिर अपन गए अपने घर। अब घर गए सर तो उसके बाद मतलब अपन आए तो यहाँ से कॉल आई अपने पास कि आपके दुकान में आग लग गई है। तो अपन जैसे आए वैसे आग को फायर ब्रिगेड वगैरह को फ़ोन किए, फिर अपन जाके देख रहे हैं तो पूरी दुकान में आग लगी हुई थी। फिर अब उसके बाद पूरा आग वाग तो अभी बुटवा ली है अपन, लेकिन आग इस वजह से लगी है भैया कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ, मतलब वायर आपस में जुड़ के शॉर्ट सर्किट हुई, जिसके वजह से पूरी शोरूम में आग लग गई। हम लोग मारुति शोरूम के बगल में इलेक्ट्रिकल बाइक का शोरूम था, उसी में आग लगा हुआ था, सूचना मिली, उसके बाद हम लोग तत्काल यहाँ पहुँच गए। अभी नुकसान तो अपने को गाड़ी का कीमत या उससे तो मालूम है नहीं, इसलिए नुकसान का पता नहीं कर सकते हम लोग, तो बाद में बताना पड़ेगा। कितनी गाड़ी लगी है? दो गाड़ियाँ आग बुझाने में लगी थी। अभी आग काबू पे है? आग काबू पे हो गया है। प्रथम दृष्टिया में क्या लगता है किस कारण आग लगी? आग शॉर्ट सर्किट किसी को बैटरी भी चार्ज में लगा हुआ था और बोर्ड भी जला हुआ था और इलेक्ट्रिकल का है, तो ऐसे कुछ जलने वाला सामान है, इलेक्ट्रिक से ही हो सकता है। पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिला कि ई व्हीकल टुनवाल के मालिक संजय सिंह के शोरूम में आग लग गई है। तत्काल हम लोग सूचना पर दलबल सहित पहुँचे, मौके पर आए तो देखे कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी और आग बुझाई जा रही थी, और बहुत जल्दी ही आसपास के लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। उसमें कुछ वाहन की क्षति हुई है, जांच के बाद पता चलेगा। अंबिकापुर में साइबर ठगी के दो अलग अलग मामले में पुलिस ने कार्यवाही की है, तो वहीं पड़ोसी राज्य झारखंड के देवघर से 3 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार करने में भी सफलता मिली है। बता दें कि साइबर क्लीन अभियान के तहत सरगुजा पुलिस को यह कामयाबी मिली। बता दें कि पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपियों की पड़ताल की और झारखंड के देवघर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
कुछ दिन पूर्व थाना उदयपुर में प्रार्थी के द्वारा आकर एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर उसमें मामले में आईपीसी की धारा 420/66(c)/66(b) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर मामले में तफ्तीश की जा रही थी, जिसमें कि उसे फ़ोन पे पर कैश रिसीव करने के नाम पर उससे ठगी हुई है, जो लगभग 1,54,000 रुपये की राशि का उसके साथ धोखाधड़ी की गई थी। इस आधार पर जो है साइबर सेल प्रभारी जो हैं और SDOP अखिलेश कौशिक के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित करके उक्त आरोपी की पता तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में इनकी जो लोकेशन है झारखंड राज्य में स्थापित हुआ, जिसमें एक विशेष टीम बनाकर वहां भेजा गया और उनको घेराबंदी कर पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है, जिन्हें गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अकलतरा के ग्राम पोड़ी दलहा में पंचों और ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के काम को बंद करा दिया। बता दें कि इस योजना में गुणवत्ताहीन कार्य के विरोध में यह काम बंद करवाया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी सड़क जो पिछले साल ही बनी है, उसे दोनों ओर से उखाड़ कर सड़क के बीचों बीच मिट्टी का ढेर लगा दिया गया। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत पोड़ी दलहा में जल जीवन मिशन योजना के तहत ओवरहेड पानी टंकी का निर्माण हो चुका है। शक्ति के ब्लॉक डबरा में अभी तक कोई पक्की सड़क नहीं बनी है। बता दें कि क्षेत्र के ग्राम साराडी से फलिया मुंडा होते हुए 6 किलोमीटर दूरी तक कोई पक्की सड़क निर्माण नहीं किया गया, तो वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से इन गांवों में आज तक जोड़ा नहीं गया है, जिसके चलते स्कूली छात्रों को कॉलेज, हाई स्कूल और मरीजों को अस्पताल ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गुरुवा सिंह सिदार निवासी फलिया मुंडा के हूँ। मोर गांव ले फलिया मुंडा से साराडी तक रोड आज तक पक्की रोड हमारे देखे पर नहीं मिली से, यहाँ तक कि फलिया मुंडा से मेन रोड सपोज जाए बा वहू में रोड है, इसने उबड़ खाबड़ पूरा एकदम कचड़ा रोड हो गए है। एला आज तक ये रोड ला कोई भी कई जी सांसद होगी, कई जी विधायक होगी, ये रोड ला कह कह के हमन थक गए हैं। और एमे राहुल गांधी है भी आना जाना करी से पद यात्रा व यहाँ फलिया सपोज से साराडी पैदल यात्रा रही, ओकर बावजूद भी आज तक ये रोल ला बनाए के कोई ध्यान नहीं दे थे। इसमें ग्राम पंचायत गाड़ापाली के सरपंच उज्ज्वल सिदार और रोड के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बरसों पहले हो गए चैत्र भाठा से लेकर अभी तक साराडी तक बैराज तक रोड नहीं बने हैं, और मांग तो बहुत करे हैं लेकिन मांग ला पूरा नहीं हो कर पाते हैं। काला काला मांग करे हैं वो विधायक कर मांग करे हैं, मंत्री कर अभी लेटर भेज दे हैं। हम अनहारा भाई फलिया मुंडा के हैं, मैसे हैं, लेकिन यहाँ हम सब दिन बिल्कुल तकलीफे पाते हैं। यहाँ तो हमारे गाँव में कोई सक्सेजे छोड़ नहीं पाते, रोड के रोड भी घला नहीं बनना थे ना, यहाँ कोई डॉक्टर डॉक्टर घड़ा यहाँ यही होते तो बुढ़ी अंचल में होते तो यहाँ मतलब गाड़ी पीढ़ा घड़ा नहीं आया तो हम कहाँ का ला जाबो जितना आए सकला बार, यहाँ तो कोई के व्यवस्था नहीं है। बड़ दुख मिला थे सड़क बार, भारी तकलीफ मिला थी, कतका डन पाथ चिखला पानी रेंगे बा गोड़ हाथ घला फलक के यहाँ टूट जाते गिर जाते। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।